चाचू हम कितने दिनों से आपसे कह रहे हैं, हमें स्टोरी सुनाइए। आप बहाने बनाकर पतली जल्दी निकल लेते हैं। आज बहाना नहीं चलेगा। स्टोरी सांभर पीछे, कई स्टोरी? भूत की स्टोरी। भूत की स्टोरी? हाँ चाचू। मैं स्टोरी सुना तो दूं, लेकिन तुम बच्चे हो ना, डर जाओगे। चाचू पहले स्टोरी सुनाइए, फिर देखते हैं डरता कौन है, हम या आप। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। एक गांव था। सुनो राघव, सू करे छे बेटा। स्टोरी सुना रहा हूँ माँ। कौन सी स्टोरी? भूत की। भूत की स्टोरी? ये खुद भूतों से डरता है, फिर भी भूत की स्टोरी बताएगा, भूत की पिक्चर देखेगा, भूत तो की तरफ बर्ताव करेगा। तुम ही उसे कुछ समझाओ ना, ये सब बातें करके रात को मुझे परेशान करेगा। समझाना बेटा तू उसको। मुझे भूत भूत की स्टोरी नहीं आती। चुप कर, बैल की तरह खाना बंद कर और उसे बुला। राघव भैया आओ। मैं डर नहीं रहा हूँ, बहादुरी से स्टोरी सुना रहा हूँ। वो बहादुरी दिखा रहा है और तुम मुझे उसे रोकने को कह रही हो। गांडो नथी आवी जैसे माँ। तुझे पता नहीं क्या, उसकी बहादुरी 2 मिनट की है, उसके बाद कूद कर मेरी कमर पे बैठ जाएगा। एक गांव था। आगे क्या होगा वो बताओ ना, कब से गांव पे अटके हुए हो? ये बड़ी जल्दबाजी है तो जाना, हमारी लिंक टूटी जाए, समझो ने। अगर डर लग रहा है तो आगे आ जाओ, मेरे पास आओ ना बच्चो, यहाँ आ जाओ। और उस गाँव में एक बड़ा सा बंगला था, और बंगले में जरा हटा ये, अब ठीक है। मुझे तुम दोनों की बहुत फिकर है ना, तुम्हें डर ना लगे इसलिए तुम्हारे बीच में बैठ गया। पास आओ ना, बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना। डरने की कोई बात नहीं, कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें बाथरूम जाना है या फिर प्यास लगी हो तो अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो हम कहाँ थे बेटा? एक गाँव था। आराम से बोलो ना, ये साउंड इफेक्ट क्यों? ओके सॉरी। तो उस गांव में एक घर था। घर? ज्यादा होशियारी मत करो, पता नहीं कब सुधरेंगे। और उस घर में ठंडी कपकपाती हवा चल रही थी। हवा के साथ बिजली और बारिश भी थी। नहीं ये मेरी स्टोरी है ना, मेरी स्टोरी में सजेशंस मत दो, मैं भूल जाऊंगा तो मेरे भाई के बच्चे हो, कान के नीचे मारूंगा। ए राघव जम्मा नहीं आओगे? आ रहा हूं मां, मैं स्टोरी भूल गया, शायद खाना खा के याद आ जाएगा। अरे कहां जा रहे हो? आप अगर भूल गए तो हम एक रियल स्टोरी सुनाते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना सुनाओगे तो ही स्टोरी सुनूंगा। उसके बिना आपको डर नहीं लगेगा? ज्यादा डर से कोई आदमी मर भी सकता है। बच्चों की तरह डरो मत। एक कब्रिस्तान में 2 जुड़वा भूत रहते थे, वो डिनर नहीं करते थे लेकिन 5 बोतल खून पीते थे। अरे यार मेरी तो 2 इंसान खाने वाले भूत से भी फटती है, ज्यादा डाइट वाले भूत को मत बुलाओ। रुको अब मेरी स्टोरी सुनो, तुम्हारी स्टोरी तो बिल्कुल लोरी जैसी है, मेरी स्टोरी डरावनी है जिसमें एक लंबे बालों वाली डायन है। स्टोरी में भूत कम था जो तुमने अब डायन को भी बुला लिया। हाँ, उसके सांप जैसे लंबे बाल थे, चमगादड़ जैसी आंखें थी, लाल सुर्ख लाल। हाँ। भूख लगी है? जुबान जहरीली जुबान। चाचा आपकी जुबान क्या है? भूख लगी है। उस जहरीली जुबान से वो सामने वाले का खून चूस लेती थी। देखा मैंने कहा था ना इसका फिर से शुरू हो गया। चले हट, जाओ दे मने। बस आता ही होगा पेड़ पर चढ़ने। मम्मी बचाओ। राघव क्या कर रहे हो? बच्चों चुप करो, चलो खाना खाओ। बहुत मस्ती होगी। राघव कुछ तो सोच, अब तू बड़ा हो गया है। क्या, यही कि तू शादी के लायक हो गया है फिर भी बात बात पर मेरी कमर पे चढ़ जाता है। तेरी बीवी आएगी तो क्या सोचेगी बोल तो? उतर नीचे, गांडो थई गयो के कायरो की तरह मेरी कमर पे बैठा है। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना बेटा? उतर नीचे। उतर बेटा, उतरना उतरना। मेरी कमर टूट गई। इन दोनों को सुबह देख लूंगा। चुपे। फिर से शुरू हो गया। माँ डर लग रहा है तुम्हारे गोद में बैठता। गधेड़ाना छोकरो। भैया कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता तो भौंकेगा ही ना। कहते हैं जब कुत्ता भूत देखता है तभी ऐसे भौंकता है। बस भी कर, अभी तो खाना शुरू किया है। चैन से खा ले तो दे, न रात को सोने देता है न चैन से खाने देता है। मेरी प्रॉब्लम है तो क्या करूं? ए मोटू, लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से खाना खा। हाँ ठीक है चाचू। हेलो प्रिया, एक हफ्ते की छुट्टी है, इधर रहला ये तेज।
मेरी बहन कल यहाँ रहने आ रही है, उसकी छुट्टियाँ जो है। मन में लड्डू फूटा, चुपचाप खाना खा ले। भाभी काय रे, आपकी बहन काले आवे छे? नीचे। क्या वो अब भी वैसी है जैसे मैंने आपकी शादी में देखा था उसे? नहीं 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 नहीं, अब तो वो बिल्कुल गोल्डन ब्यूटीफुल बन गई है, एकदम मॉडल। मॉडल लगती है, हाइट भी तुमसे ज्यादा है। चलेगा, स्टूल पे चढ़ जाऊंगा। तुमसे ज्यादा स्टाइलिश है। मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा भाभी। उसका रंग भी बहुत गोरा है। कोई बात नहीं, मैं पाउडर लग। ए भाभी, काहे मुझे कुछ भी बोलो मगर मेरे कलर पे मत जाना। हां, अब बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हें, बच्चों से स्टोरी सुनते वक्त डर के मां की गोद में आ गए। चुपचाप खा गांडा। मुझे नहीं खाना खाना। मां, तुम चलो मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है, मुझे खाना तो। अरे तुम्हें खाना तो मत खाओ, उन्हें तो खाने दो। आ छोकरो, मैंने गांडो करी ना मुख से। बचपन से मुझे खिलाने और सुलाने के लिए भूत की स्टोरी सुनाती रही और अब इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। सुन, जाके सुसु कर ले या फिर डायपर पहन ले, मैं रात को उठने वाली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मर गई रे। अरे माँ, अब क्या? मैंने टॉयलेट जाऊ जे। अब क्या चेन भी खोल के देनी पड़ेगी? क्या मतलब? शर्म कर, शर्म। अरे माँ, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो टॉयलेट करवाने के लिए तुम्हें बुलाने वाला हूँ? इतना दिमाग है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? ताकि जब मैं टॉयलेट के अंदर रहूँ तो कोई भूत आकर मुझे पकड़ ना ले। कान के नीचे बजाऊंगी, चल अंदर। माँ तुम भी चलो ना। माँ छोड़ ना, कर ले। माँ अब क्या हुआ? कोई गाना गाओ ना माँ। गाना गाने को कहा, डराने को गाना नहीं। गाना ही तो गा रही हूँ। ये क्या गाना है? गाना सुन के सुसु रुक गया, कोई अच्छा गाना गाओ। ठीक है, गाती हूँ। ए, मुझे गीला करेगा, घूम जा। उबलता पानी, निकलता पानी, झरने का पानी, नदी का पानी, समंदर का पानी, जिस रंग में मिला दो वैसा पानी, पानी रे पानी। वाह माँ, कमाल कर दिया। पानी, 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 hey, पानी, mom, पोस्ट ऑफिस बंद कर। क्या करूं मैं इस लड़के का, लोग बेडरूम में अच्छी चीजें सजाते हैं और ये जूते सजा रहा। बचपन में तुम्हीं ने तो ये सिखाया था। अरे गधे, तब तू बच्चा था, बड़ा हो गया है। भूत बच्चा बूढ़ा किसी के भी अंदर घुस सकता है। ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है। अब कोई भी आत्मा बाउंड्री क्रॉस करके मेरे पास नहीं आ सकती, अगर आ गई तो हनुमान जी छे ने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतीहु लोक उजागर। हे भगवान, मेरी सारे भूत प्रेत चुड़ैल डायन आत्माओं से रक्षा करना। ओके माँ, सो जा। अगर तुमने मुझे सुबह 5 बजे उठाया तो मैं फटाफट तैयार होकर प्रिया को पिकअप करने जाऊंगा। सो जा और सोने दे, ड्राइवर जाकर उसे पिक कर लेगा। कौन सी रुत का इंतजार कर रहा है? कब से देख रही हूँ तुझे, कभी इधर कभी उधर। सुचाले छे? कुछ नहीं माँ, वो एक फ्रेंड आने वाला ऐसा था। ऐसा कौन सा फ्रेंड है तेरा जिसके स्वागत के लिए सुबह से खड़ा है? तेरे सारे दोस्तों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुबह से नहा धो के परफ्यूम मार के खड़ा है हीरो जैसा, कोई तो बात है। मैं रोज नहा धोकर तैयार होता हूँ। आज का तैयार होना कुछ अलग है, मुझे मत सिखा। दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा, कुछ तो खांड भी पक रही है। मेरी माँ दिन ब दिन बहुत चालाक हो रही है, अब तक आई कैसे नहीं? माँ, प्रिया आली, लौकर या। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि सुबह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसे एक बार अंदर आने दो, फिर मैं कैजुअल एंट्री मारूंगा। टेन 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 टेन। ये मोरनी की तरह क्यों नाच रहा है? प्रिया, हाय। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। चले शादी हो जाए और सौ बच्चों की माँ बन तू। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैंने पढ़। हाय मासी। हेलो मासी। ये बड़े पैक में छोटा बच्चा। हाय। हाय। आज तुम हमारे घर अचानक कैसे आ गई? नौटंकी, जैसे किसे पता ही नहीं था ये आने वाली है। नहीं माँ, मैं तो वो बाहर जा रहा था और अचानक सामने ये नजर आ गई तो। तो सुबह 5 का अलार्म क्यों लगाया था?
तो कैसा सब कुछ? सब कुछ ना एकदम खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम कैसे हो? मुझे क्या हुआ, हूँ तो फाइन छो। वैसे तुम्हारा ये ड्रेस सेंस एकदम जबरदस्त है, हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है। आई लाइक कंट्रोल। प्रिया, यहाँ आने के लिए कोई और कपड़े नहीं पहन सकती थी क्या? दीदी, तुम्हारे यहाँ आना था इसलिए तो मैंने इतने डीसेंट कपड़े पहने हैं, वरना घर पर तो मैं इनसे भी छोटे कपड़े पहनती हूँ। अरे वाह, तुम तो इन लंबे कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। इन कपड़ों में छुपता कम दिखता ज्यादा है। क्यों क्यों, कितना मुलायम है, क्या खराबी है इसमें? जवानी में ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या मेरी उम्र में पहनेगी? नहीं तो क्या? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने दिए मेरे पति ने, वरना मैं भी क्या लगती। वैसे मैं भी कोई बम से कम नहीं थी। तुम भी ऐसे कपड़े पहनती थी राघव? तारी मानी, इमारत पुरानी है लेकिन बुनियाद अभी भी मजबूत है। टेरिबल क्या मतलब है तुम्हारा? आई मीन टेरिफिक। कॉम्प्लीमेंट बनते मैंने शर्म आवे छे। भाभी काय? भैया से शादी होने से पहले आप भी ऐसे कपड़े पहनती थी? देवर जी, कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। वैसे तुम्हारा ये लुक बहुत अच्छा है। प्रिया तू जाके फ्रेश हो जा, जा जा बच्चों मासी के साथ जाओ। बाय प्रिया। मुझे सब कुछ बताना। भाभी जरा यहाँ आते कैसे हो? वैसे तो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेकिन आते वक्त अगर प्रिया की पसंद का कुछ लाना हो तो हूँ ले आविश। मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, मेरे लिए तो कभी एक छोटा गिफ्ट भी नहीं। भाभी आप दोनों में फर्क है ना, आप मेरी भाभी है और प्रिया वो तो ड्रीम गर्ल है। बस कॉम्प्लीमेंट था। एक टिप दो देवर जी, उसे गिफ्ट पसंद नहीं, समंदर किनारे घूमना पसंद है। पर आज मैं बीच नहीं खरीद सकता। देवर जी आज आप बैटिंग की प्रैक्टिस कर लो, कल तुम दोनों बीच पे क्रिकेट खेलना। ओके बीच, यू मी एंड बीच। बाबा कृपा कीजिए बाहर आइए, एक भूत ने हमारे घर में अड्डा जमाया है, कृपा करके उसे बाहर निकालिए। आइए ना। ओम फट स्वाहा। बाबा आइए आइए। सुनो, कल रात को ही हमने विज्ञापन दिया और इतनी जल्दी मछलियां हमारे जाल में फंस भी गई। लगता है भूत भगाने के धंधे में हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं छोटू। हाँ बॉस, और इस धंधे में ऊपर की कमाई भी बहुत तगड़ी होती बॉस है। बॉस नहीं, जबान पे लगाम। जब हम जेल में थे तब मैं तुम्हारा बॉस था, अब तुम शिष्य हो और मैं हूँ गुरु। आइए बाबा आइए। अरे छोटे हम कहाँ फंस गए? चलो चलो, लगता है आज रॉन्ग नंबर लग गया। चलो फूट लेते हैं यहाँ से। निकलो, मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। सुन छोटे, जरा गौर से इस जगह को देख, ये घर मुझे भूतिया लगता है। चल यहाँ से चलते हैं। ज्यादा मत सोच, इस घर में कोई भूत वूत नहीं है। हमें बस अपने मंत्र की किताब खोलनी है, तांत्रिक होने का ढोंग करना है और मोटी रकम लेके फुटना है। जल्दी कर, जो करना है जल्दी कर। तंबूरा बाजे तंबूरा बाजे तंबूरा। ये तो म्यूजिकल मंत्र है, सभी गानों की किताब। अरे अरे, तू यहाँ भूतों को भगाने आया है या भूतों के साथ रोमांस करने आया है? पिछली बार भी तेरी वजह से हमारी खूब धुलाई हुई थी। मंत्र भी निकाल निकाल। गलती से गलत बुक हाथ लग गई, ये सही वाली है। इसमें से मंत्र गा गा के सुनाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति तेरी संस्कृता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। बस आज तक मैं मिमिक्री करता था, आज तुमने शुरू कर दी। भाई ये मेरी नहीं, किसी और की आवाज थी। हाँ बॉस, मैंने भी वहाँ में किसी भूत जैसी चीज को देखा। मैंने भी, इससे अच्छे तो हम जेल में ही थे। मेरी जान बचा लो छोटू। तीन लोगों की जिंदगी के लिए एक जान जाए गम नहीं। कौन है वो तीन लोग? वो तीन है आई मी एंड माई सेल्फ। छोटू, मैंने तुझे मारा था, मुझे किसने मारा? इसके अंदर है। सच में इसके अंदर भूत है। चौपाटी में जाके छोड़ दो। पहले ही हम लोग डरे हुए और क्यों डरा रहे हो? अब वो घर में वापस तो नहीं आएगी ना? बिल्कुल नहीं, इसमें सेफ है, लॉक लॉक बिल्कुल लॉक है। पंडित जी आप दोनों के कपड़े कहाँ गए? वो सन्यासी के कपड़े देखकर भूत बाहर नहीं आता, इसलिए हम नंगे हो गए। वो हमें नंगा देखकर बाहर आया और उसने हमें चैलेंज किया। उसके बाद हमने उसके साथ WWF के 2 राउंड खेले और गुरुजी ने उसे चारों खाने चित किया। देख के तो लगता है आपके गुरुजी को चारों खाने चित हो गए। मेरे गुरुजी चित नहीं हुए हैं, ये इस वक्त स्लीप आसन में है। हर भूत फाइट की बात करते हैं। ऐसा क्या? मैंने आपको 20,000 बोले थे ना, अब मैं 30 दे दीजिए। आप जाके अंदर से घर साफ कीजिए, मैं इसे बाहर से साफ करता हूँ। गो 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 जाइए। गेट अप गुरुजी, गेट अप। कंफ्यूज दिख रहा है, लगता वही घिसा पिटा सवाल पूछेगा।
मैं कहाँ हूँ? पूछा, तुमने मुझे पहचाना? बिल्कुल नहीं। सारा बाल मेरा। जिंदा बचो तुम ना। पेन जी, हाँ, तोड़ी फ्रेंड आई है। हाय। ए हाय। बिना ट्रेलर के फिल्म यहाँ कैसे रिलीज हो गई? आज मेरे एक रिश्तेदार की बेटी का बर्थडे है, वही जा रही हूँ। आज मुलगी पूरी 18 साल की हो गई है। वैसे मेरा बेटा भी जवान हो गया है। यानी उसके दूध के दांत टूट गए। अरे रे, इतना लंबा हो गया है। मारो छोकरो कैमरामैन छे। फोटोग्राफर है का? सास बहू के डरावने सीरियल शूट करता है, बहू नाम छे। वो तो बचपन में भूतों से बहुत डरता था, अजुनेता सच है। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? ऊपर चल के उसकी बहादुरी का नमूना देख ले। छोकरो ना कमरो, ये सब देखने के बाद में भूत तो क्या, इंसान भी इसके कमरे में जाने से डरेगा। कम इनसाइडर। हाँ, मुझे तो लगता है ये किसी तांत्रिक का कमरा है। तुम्हें इस कमरे को देखकर लग रहा है ना तांत्रिक का कमरा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने तांत्रिक को ही जन्म दिया है। सेज देखो महाराज की, इतने नींबू तो मंडी में भी नहीं होंगे जितने तांत्रिक महाराज के खटिया में लगे हैं। जवा देना। इधर देख चप्पल की दुकान, हर कलर और डिजाइन की चप्पल मिलेगी यहाँ। लोग खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लगाते हैं और एक पुरानी चप्पलें लटकाता है, वो भी मेरे पति की फोटो के नीचे। कभी कभी मुझे लगता है मैंने प्रेगनेंसी में नींबू मिर्ची उलांगी थी। इतनी छोटी सी बात पे दुखी नहीं होती? और दिखाती हूँ, आजा। तेरे सामने एक राज की बात खोलने जा रही हूँ, इस राज को राज ही रहने देना। देख, हाँ, ये राघव के फेवरेट भगवान की फोटो, राघवेंद्र की, गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, स्वामी नारायण, किशन महाराज। जीते जागते भगवान कम पड़ गए, इसलिए इनको भी बिठा दिया यहाँ। अब बता तू, इतनी सी बात पे दिमाग फट गया? पीछे मुड़ के देख जरा। क्या है? अरे सारे पीछे नहीं, हुआ जो गांडी। तेरे घर पे छोटा बच्चा कौन है जो डायपर पहनता है? ये सारे डायपर मेरे बेटे के हैं। इस उम्र में डायपर पहनता है? क्या बताऊं तुझे, एवरी संडे को वो पड़ोसियों के बच्चों के साथ में हॉरर फिल्म देखता है। डरावने सीन्स देखकर उसकी सुसु निकल जाती है। किसी को पता ना चले इसलिए अंदर डायपर पहनता है, प्रेस्टीज इशू हो जाता है ना। डायपर मत है, कसा दिसेल? ये मेरा सुरक्षा कवच है, अगर आपको डर लगे तो तमेपन पहनो। पता नहीं लोग इसे पहनने पर क्यों मजाक उड़ाते हैं। मला सांग, डायपर में अजीब नहीं लगता होगा? सुपरमैन नहीं जो ऊपर से पहने अंदर पहनता है। तुम्हें पता है इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? बच्चों के साथ भूतों और चुड़ैलों की डरावनी हॉरर फिल्म देख रहा होगा। तुम्हें तुम्हारी जगह में आवी बेसी जाओ। मेरी सीट कहाँ है? मेरी जगह पे तुम लोग बैठे हो, हूँ क्या बेसू? अहिया जगह से तैया जगह से कहीं भी बेसू। मैं हमेशा सेंटर में बैठता हूँ, मैं सेंटर में बैठूंगा तो तुम भी सेफ रहोगे, वरना जाओ। ये राजू भैया तो हमारी चिंता माँ बाप से भी ज्यादा करते हैं। ए, ये हमारी सेफ्टी की नहीं अपनी सेफ्टी की बात कर रहा है। एक नंबर ना फट्टू छे, तुम पहली बार आए हो, मूवी शुरू होने दो फिर मजा देखना। ए चलो खसको खसको, भैया के लिए जगह बनाओ। हाँ भैया आ भी जाओ। आ, मेरे साथ रहकर मैनर्स सीख गया तू, किसी को डर लगे तो मुझसे चिपक जाना। अरे मारा पास से पेश सुने। अब देखना इस सीन के शुरू होते ही असली शो शुरू होगा। देखा ना, डर का पसीना निकलना शुरू हो गया है। निकल रहा है पसीना और बदबू आ रही सुसु की। इसने सुसु किया है? हाँ? पर फर्श गीला नहीं हुआ? हो भी नहीं सकता क्योंकि इसने डायपर जो पहना है। ये बात है तो तू यहाँ पिक्चर देखने क्यों आता है? शो तो मैं इसका देखने आता हूँ, इस पिक्चर का रिपीट टेलीकास्ट तो मैंने केबल पर 4 बार देखा है। खूबसूरत भूतनी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये लो, इसको भूतनी प्यारी लग रही है, शादी कर ले उससे गांडो छोकरो। मैं तुझे फिल्म का क्लाइमेक्स दिखाता हूँ। राज जल्दी से पीसा हुआ आटा मेरे मुंह पे मार। सोचे मम्मी बचाओ, मर गए हो। इसका सारन बज गया, जल्दी अपनी कॉफी खत्म कर। जब वो बंदर आएगा तो मुझे ही मदारी बनकर उसको कैच करना पड़ेगा, वरना तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। जल्दी कर, कॉफी खत्म कर, जाओ उधर जाके खड़ी हो जा गांडी, चल। बोला था ना।
अब इस डायनासोर को नीचे रख दे। नीचे आई जा, तारी माया छे। ठीक छे। वो आंटी के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। गुड मॉर्निंग आंटी। नीचे चल। गांडा साला, दिन में चुड़ैलों की डरावनी फिल्में देखता है और रात को भूत बन के मुझे डराता है, क्या करूँ मैं इसका? भूत अटैक शुरू हो गया। चुड़ैल का अटैक। ड्रैकुला का। ए मोटू, लाइट ऑन कर यार, मुझे नहीं देखनी है कोई फिल्म यार, तू लाइट ऑन कर पहले, लाइट ऑन कर। किसी दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना मिले, हे भगवान, पूरी दुनिया में मुझे यही आइटम देना था तुझे। मेरी कमर, मुझे रोल रोलर की तरह रोल करा के बिस्तर पे रोल हो रहा है। किस दान ने मुझे हाथ लगाया? क्यों चिल्ला के डरा रही हो? ए गांडा, हूँ डराऊ छू? मेरी नींद का भूगो करना क्यों मम्मी? नास पीटा। मुझे बाथरूम जाना है। चल मैं लेकर चलती हूँ तुझे। मम्मी डरो मत, कोई भूत वूत नहीं है, मैं बाथरूम अकेले जा सकता हूँ, आई एम अ ब्रेव बॉय। है तू इतना बड़ा हो गया? बिल्कुल। तेरे कलेजे में अकेले जाने की हिम्मत है? हिम्मत हो या ना हो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहा है, मैं चलती हूँ ना। अशोक है मम्मी, सब मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें बाथरूम जाने के लिए अभी मम्मी की जरूरत पड़ती है। रेप्यूटेशन और कचरो करीना है। वो गलती से जबान फिसल गई। पब्लिसिटी कर दी आप, मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला है क्या? आज के बाद मैं अकेले ही बाथरूम जाऊंगा, आप देखना मैं कितना बहादुर हूँ। आया बड़ा 40 मार खा। जा जा, अगर हिम्मत है तो जाके दिखा, और फिर बच्चों की तरह मुझे मत कहना लोरी गाने के लिए, मैं नहीं गाने वाली। हाँ। मेरी मम्मी हो इसलिए चुप हूँ, वरना मारो गुस्सा बहुत खराब छे। आज आपको कोई गाना गाकर मैं सुनाऊंगा। भूत आना, मुझे डराना, आजा आजा आजा, दम है तो डरा जा, आना। देखा कितना हिम्मत वाला हूँ, अकेले अंदर गया कि नहीं? आज से आपकी बाथरूम की ड्यूटी खत्म। अबे सुई जाओ। ए रुक रुक, निकला हूँ, कंफर्म करीने आऊँ। जाओ जाओ, तसल्ली कर लो। कुछ न कुछ कारस्तानी जरूर की होगी, बाथरूम में भी नींबू मिर्ची लटकाई होगी। मम्मी डरपोक क्या नहीं? ए तू बाथरूम में क्या कर रहा है इतनी रात को? मैं बाथरूम का वॉचमैन हूँ, आज शाम को नौकरी पे लगा। घर का वॉचमैन सुना था, बाथरूम का वॉचमैन क्या होता है? बात आजी, बाथरूम का वॉचमैन क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले एक बंगले का वॉचमैन हुआ करता था। बंगले की दीवार पर कई कुत्ते सूसू किया करते थे और मैं उनको वहाँ से भगाता था, इसलिए कई कुत्तों की जगह मैं एक आदमी पे नजर रखता हूँ। वैसे भी साहब बहुत सुर में सूसू करते हैं। मम्मी आज टिया मारो एटीएम। ये तुम्हारा एटीएम है? हाँ, एनी टाइम मोबाइल वॉचमैन मेरे साथ अटैच रहेगा। राघव मम्मी, ऐसा इंटेलिजेंट काम तू ही कर सकता है। थैंक यू। अरे सुई जाओ, ड्यूटी पे लग जाओ। जी साहब जी, अगली बार कब पधारेंगे? जब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ओके। ए कुमकर, क्या हुआ साहब? एटीएम मेरे साथ चलना। इतनी रात को ये इसे अपने साथ कहाँ ले जा रहा है? इसका चरित्र ठीक नहीं है। अबे तुझे सोने के पैसे मिलते हैं क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है साहब जी, आपको बताया था ना। अरे क्या करूँ यार, कंट्रोल नहीं होता। ओके साहब जी, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको जल्दी करना होगा। धीरे बोलना, इन दोनों को सीक्रेट पता चल जाएगा। पता नहीं मेरी ये बुरी आदतें कब ठीक होंगी। मिले सुर मेरा टॉयलेट में, आखिर ये मुझसे टॉयलेट नहीं हो रहा। मुझे पहले से इन पे शक था। कैसा शक? कैमरामैन ने हम पर तरस खाकर इस कमरे में रुकने के लिए नहीं कहा। तो किस लिए रोका? अपनी प्यास बुझाने के लिए। मैं तो लुट गया। कितना सुकून मिल रहा है, काम हो गया। तो मजा आ भी गई। फिर से सो गया। इतनी जोर से धक्का क्यों मारा? हे भगवान, अब यही सुनना बाकी था। इनकी पिक्चर खत्म हो जाए तो बता देना। सॉरी सॉरी, ज्यादा दर्द हुआ क्या? दर्द तो होगा ही ना, सब कुछ करने के बाद पूछने का ना धक्का से हो। पहली बार धक्का थोड़ी दिया, हमेशा ऐसे ही मारता हूँ ना। सिर्फ कयामत आनी बाकी है, मेरे तो कान जलने लगे, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे सिर्फ कान जल रहे हैं, यहाँ तो पूरे तन में आग लगी है। कहीं काम, मैं इस काम के पैसे देता हूँ तुम्हें, नखरे किए तो किसी और को रखूंगा। आमिर खान, अगर उनको पता चला कि हम उनके बारे में जान गए हैं तो वो हमें भी उनके गेम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो आ जाए, हमें जल्दी से सोने की एक्टिंग करनी चाहिए। दूर दूर, चांस मत मार, मैं वैसा नहीं हूँ।
ए, अगर जरा से भी आवाज आए तो मुझे नींद नहीं आती और ये दोनों खर्राटे मार रहे हैं। इन्हें नींद से जगा दो साहब जी, खर्राटे लेना बंद कर दीजिए। मेरे डार्लिंग लाइट मैन, दूर दूर मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी इज्जत बख्श दो। किसकी बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात? अगर मैंने ऐसी ऐसी हरकत की तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे कौन सी हरकत की बात कर रहे हो? दोबारा खर्राटे लिए तो फिर से उठाऊंगा। ए तू, अबे आलसी, चल चल सो।